इस सोलो पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। ये पॉडकास्ट है ओशो की आंधी, और ओशो की आंधी अब आ चुकी है और शुरू हो चुकी है। लोग अब ओशो को समझ रहे हैं, ओशो को पढ़ रहे हैं, ओशो को लेकर पॉडकास्ट कर रहे हैं, डिस्कशंस हो रही है। ओशो जिन्होंने कोई ऐसा टॉपिक ना छोड़ा हो जिस पर बात ना की हो, ओशो ने बुद्ध पर, कृष्णमूर्ति पर, कृष्ण पर, राम पर, क्राइस्ट पर, मोहम्मद पर, नानक पर, कबीर पर, फकीरों पर, जैन मुनियों पर, बुद्धों पर, बाहर के फिलोसोफर्स पर, गीता, वेद, उपनिषद, सारे महावाक्य, ओशो ने गीता, भगवद गीता, अष्टावक्र गीता, स्वामी विवेकानंद, रामकृष्ण परमहंस, रमण महर्षि, लाओसे, सिकंदर, इतनी सारी चीजें एक व्यक्ति के अंदर समाई हुई। एक व्यक्ति हर एक चीज पर बात कर रहा है, चिंता, डर, भय, कामवासना, सेक्स, जिस पर उस समय पर जिस पर बात करना, मतलब सेक्स एक टैबू था उस टाइम पर। अभी भी बात करते हुए मैं भी अगर ये वर्ड बोल रहा हूं तो मेरे अंदर भी थोड़ी सी हिचकिचाहट आ रही है। आज लोग मान रहे हैं सेक्स एजुकेशन क्यों जरूरी है। ओशो ने यह चीज पहले बताई। ओशो ने एक टाइम पर महात्मा गांधी जी को के विचार से सब प्रभावित थे। ओशो ने साहस किया महात्मा गांधी को कंट्राडिक्ट करने के लिए। उस पर उन्होंने बताया, उस पर बात की। ओशो के सबसे प्यारे थे बुद्ध। बुद्ध पर ओशो की बहुत सारी कहानियां आप सुन सकते हैं। अष्टावक्र गीता, अष्टावक्र मुनि ओशो के बहुत प्यारे थे। ओशो कबीर के बारे में भी बहुत बात करते थे। ओशो की अल्टीमेट शिक्षा क्या थी? ओशो की अल्टीमेट शिक्षा थी साक्षी भाव में रहना, एक दृष्टा की भांति, एक इंपार्शियल स्पेक्टेटर, एक वाइस एडवोकेट की तरह रहना, एक न्यूट्रल व्यक्ति रहना, बस चीजों को घटता हुआ देखते रहना। वो देखने वाला ही अमृत है, वो देखने वाला ही परम सत्य है, वो देखने वाला ही अनंत है, अनादि है, सर्वव्यापी है, परमात्मा है, ईश्वर है। सब कुछ बदलता है, ओशो कहते हैं, सब कुछ, लेकिन वो देखने वाला, वो दृष्टा, वो साक्षी कभी नहीं बदलता। वो साक्षी हमेशा एक ही रहता है। ये साक्षी ही एक ऐसी चीज है, एक ऐसा सत्य है जो सारे योगी, सारे फकीर, सारे मुनि, सारे ब्रह्मचारी संत एक साक्षी में ही समाना चाहते हैं, क्योंकि यही परमात्मा है, यही ब्रह्म है, यही असली चैतन्य है, यही आनंद का सागर है, यही विराट है, यही तथागत है। इसमें रहना ही सर्वोच्च ध्यान है। इसमें रहने से ही तुम्हें शून्य की नाव प्राप्त होगी। यही तुम्हें ब्रह्म बनाएगा, परमात्मा बनाएगा, तुम्हारे दुखों से मुक्ति ये साक्षी ही है, क्योंकि साक्षी ही सत्य है। बस चीजों को घटता हुआ देखो, देखते रहो उनको घटता हुआ। कोई कोशिश मत करो सुधार करने की, उनमें बदलाव लाने की, बस देखते रहो। बस दूर खड़े
आप देख रहे हो बस खाली। धीरे धीरे वो देखने वाला भी मिट जाता है तो तुम पूर्ण साक्षी हो जाते हो। साक्षी का कोई आकार नहीं होता, साक्षी तो चैतन्य की आंखों से देखना है, साक्षी तो निराकार है, अद्वैत है। ये साक्षी ही, ये दृष्टा ही बुद्ध बताते हैं। इसी के बारे में अष्टावक्र बात करते हैं। ओशो ओशो आज लोगों को अपनी अपनी बातों से, जो उनके प्रवचन हैं, भले ही उनका भौतिक शरीर ना बचाओ, लेकिन अपनी शिक्षाओं के माध्यम से वो लोगों में जिंदा रहेंगे। ओशो ओशो ने अपनी क्रांति भारत में ही नहीं, हर देश में उनके सन्यासी आपको मिलेंगे, हर जगह ओशो के सन्यासी, हर कोई ओशो का मुरीद है। बड़े से बड़ा लीडर, चाहे वो स्पिरिचुअल लीडर हो, चाहे वो पॉलिटिकल लीडर हो, चाहे वो बड़ा से बड़ा बिजनेस पर्सन हो, हर कोई ओशो की बातों से प्रभावित है, ओशो की टीचिंग्स को अपनाना चाहता है। क्योंकि ओशो कभी ये बात नहीं कहते थे कि बातों को मान लो, वो कहते थे जान लो। ओशो हमेशा अनुभव की बात करते थे। ओशो ने भारत से कई सारे जो अंधविश्वास की चीजें हैं, और जो चीजें, जैसे कि मैंने पहले बताया था कि जिन पर लोग बात करने से डरते थे, ओशो ने वो सारी चीजें ओशो सामने लेकर आए, उन पर बात की। ओशो ने लोगों में अवेयरनेस जगाई, लोगों को जागरूक किया, लोगों को सही ध्यान सिखाया, लोगों को बाहर के फिलोसोफर से अवगत करवाया। तो ओशो क्यों ना आए ओशो की आंधी, जिसने इतना सब कुछ, एक समुद्र है, अब जितना इनके अंदर डूबते जाओगे, डूबते चले जाओगे, सब पर बात की है, ऑलमोस्ट सब पर, पॉलिटिक्स हो, स्पिरिचुअलिटी हो, इकोनॉमिक्स हो, सब पर बात कर रहे हैं ओशो। सबसे जरूरी चीज, ओशो प्रमोट करते थे ध्यान को, मेडिटेशन को, शून्य का ध्यान, ऐसा ध्यान जिसमें आपको पूरी तरह शून्य होना है। आप चाहें तो इस ध्यान की प्रैक्टिस डेली मेरे साथ कर सकते हैं, मेरे कंप्लीट स्पिरिचुअलिटी प्रोग्राम के माध्यम से, जो जिंदगी भर आपके साथ रहेगा, लाइफ टाइम मेंबरशिप प्रोग्राम है। पहले मैं आपका कंसेप्ट क्लियर करवाने के लिए बेसिक वीडियोस दूंगा कि ध्यान क्या है, सत्य क्या है, विचार क्या है, विचारों से पहले कैसे जाए, ऐसी कुछ 12 थ्योरेटिकल वीडियोस दूंगा। उसके बाद फिर हम डेली शून्य ध्यान करेंगे, थॉटलेस मेडिटेशन, नो माइंड मेडिटेशन, और वो भी जिंदगी भर के लिए। डेली सुबह आपको मेडिटेशन मिलेगी। तो इस प्रोग्राम को ज्वाइन करें, कमेंट सेक्शन में मैं अपना व्हाट्सएप नंबर दे रहा हूँ, डिस्क्रिप्शन में भी जाइए और इस प्रोग्राम को जरूर ज्वाइन कीजिए। थैंक यू वेरी मच।